हेलो स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू वेलकम टू योर प्री एजुकेशन चैनल पंकज साइंस वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, वी आर स्टडिंग द चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। तो बच्चों, करंट, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म ये चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, और इस चैप्टर में आज हमें पढ़ना है कनेक्टिंग सेल्स। तो सेल्स को कैसे कनेक्ट करते हैं, सेल और बैटरी, इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है, और जब बैटरी तैयार करते हैं तो बैटरी में सेल को कैसे कनेक्ट किया जाता है, इन सब के बारे में हमें आज की इस वीडियो में पढ़ना है। देयरफॉर वॉच दिस वीडियो कंप्लीटली, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो। तो शुरू करते हैं बच्चों आज का टॉपिक कनेक्टिंग सेल्स। तो यू मस्ट हैव सीन द वेरियस मोर देन वन सेल्स आर कनेक्टेड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। आपने देखा होगा कि सर्किट में एक से ज्यादा सेल को कनेक्ट करते हैं। जैसे अब यहां पे देख पा रहे हैं, इस सर्किट के अंदर दो सेल को कनेक्ट किया गया है। इन ट्रांजिस्टर रेडियोस 2 to 3 से ड्राई सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो ट्रांजिस्टर रेडियो जो है, पुराने जमाने में जो रेडियो होते थे वो इसके उसमें जो है ड्राई सेल का इस्तेमाल किया जाता है। आज जो है इलेक्ट्रिसिटी पे चलने वाले रेडियो मिलते, इनको चार्जिंग भी किया जाता है, फिर भी जो रेडियो जो है उसमें ड्राई सेल जो है ये यूज़ करते हैं। ड्राई सेल वाले रेडियो आज भी कुछ लोग जो है वो यूज़ करते हैं रिमोट एरियाज़ में, जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुँच पाती है। तो ये जो ड्राई सेल जो है वो सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ कनेक्टिंग दिस ड्राई सेल्स इन द सीरीज। सीरीज में ड्राई सेल को कनेक्ट करने का क्या पर्पज होता है। पर्पज ऑफ कनेक्टिंग द सेल्स इन दिस वे इज टू ऑब्टेन द लार्जर पोटेंशियल डिफरेंस और मोर पोटेंशियल डिफरेंस देन दैट ऑफ द सिंगल सेल। अब एक सेल को कनेक्ट करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कम मिलता है। अगर अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल, अब यहां पे एक सिंगल सेल को कनेक्ट किया गया है, अब जो है मैंने दो सेल को कनेक्ट किया है, अब तीन सेल को कनेक्ट करता हूं मैं, अब जो है ये जो है, फॉर एग्जाम्पल द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दिस सेल इज 1.5 वोल्ट। अब ये दो सेल है, इनका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा बच्चों, 3 वोल्ट। अब तीन सेल कनेक्ट किए हैं, 1.5 वोल्ट के तीन सेल कनेक्ट किए हैं, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा 4.5 वोल्ट। तो इसका अर्थ क्या है, सेल को अब हम सीरीज में जब कनेक्ट करते हैं तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा मिलता है। और आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक करंट जो होता है, आई इज द इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल आई एंड पोटेंशियल डिफरेंस का सिंबल वी। द इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता है। इट मीन्स दैट इफ वी इंक्रीज द पोटेंशियल डिफरेंस द इलेक्ट्रिक करंट ऑल्सो इंक्रीजेस। द पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने से इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ता है। तो सर्किट के अंदर अगर हम सेल की संख्या बढ़ाएंगे तो हमें ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट मिलता है। देयरफॉर वी इट इज़ पॉसिबल टू ऑब्टेन द हायर इलेक्ट्रिक करंट बाय यूजिंग मोर देन वन सेल। आ गया बच्चों समझ में। अब देखिए, इफ द सेल्स आर कनेक्टेड, अब दूसरी फिगर यहाँ पे देखिए, इफ द सेल्स आर कनेक्टेड या शोन इन द फिगर, द कनेक्शन ऑफ द सीरीज ऑफ द सेल इज कॉल्ड एज बैटरी। अब इस तरह से अगर हम सेल को कनेक्ट करेंगे सीरीज में तो इसे बैटरी कहा जाता है। व्हेन मोर देन वन सेल्स आर कनेक्टेड वन आफ्टर द अदर देन इट इज कॉल्ड एज बैटरी। अब बैटरी में सेल को कैसे कनेक्ट करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। फॉर द कनेक्शन इन द सीरीज कनेक्शन द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द फर्स्ट सेल इज कनेक्टेड टू द निगेटिव टर्मिनल ऑफ सेकंड सेल एंड द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेकंड सेल इज कनेक्टेड टू द निगेटिव टर्मिनल ऑफ द थर्ड सेल। यहाँ पे तीन सेल है, तो पहले सेल का पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे सेल के निगेटिव के साथ जोड़ा है, दूसरे सेल का पॉजिटिव तीसरे सेल के निगेटिव के साथ जोड़ दिया गया है। तो इस तरह से अगर हम कनेक्शन करेंगे तो इट फॉर्म्स द बैटरी। तो ये वो क्या तैयार करते हैं बच्चों, बैटरी तैयार करते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वन सेल इज वेरी लो, तो एक सेल का पोटेंशियल डिफरेंस कम होता है, तो तीन सेल का पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल, अब इस कनेक्शन में एक सेल का पोटेंशियल डिफरेंस एक है, तो तीन सेल का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा बच्चों, 3 वोल्ट होता है। यू मस्ट हैव सीन द कार बैटरीज, कार बैटरीज को आपने देखा होगा,
एंड देयर कार बैटरीज आर अवेलेबल इन द मार्केट, और आपके घर में कार होगी तो उसके अंदर भी बैटरी होती है. इट इज कॉल्ड एज बैटरी नॉट अ सेल. व्हाई? इसको हम बैटरी कहते हैं, सेल नहीं कहते. ये तो सिंगल यूनिट तो एक ही दिखता है, लेकिन इनसाइड द इट हैज द मोर देन वन यूनिट्स ऑफ द सेल, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज बैटरी. तो ये कार बैटरी के अंदर एक से ज्यादा यूनिट होते हैं और हर एक यूनिट जो होता है वो सेल कहलाता है. तो जनरली जो है 6 सेल्स इसके अंदर होते हैं. तो कार के अंदर जो बैटरी यूज करते हैं वो होती है लीड एसिड सेल. तो लीड एसिड सेल, तो 6 सेल को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके ये बैटरी तैयार होती है. तो इसमें जो है सेल की संख्या जो है अलग अलग होती है, और सेल की संख्या के अनुसार जो है वो बैटरी तैयार होती है. तो बच्चों आज जो है इस तरह से हमने आज की इस वीडियो में कनेक्टिंग सेल, सेल को कैसे कनेक्ट करना है, बैटरी और सेल के बीच में क्या डिफरेंस है, इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ा है. थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो. Don't forget to subscribe my channel, like and share the video. Thank you.